पुश बना रही हूँ। कलर यूज कर रही हूँ 4, ग्रीन, येलो, मैरून और वाइट। हुक यूज कर रही हूँ 2.0 mm। हुक यूज कर रही हूँ 2.0 mm। सबसे पहले यहाँ पे ये मैं मैरून कलर यूज करूंगी, ये वूल है 3 प्लाई की। सबसे पहले मैं यहाँ पे वूल यूज करूंगी, ये मैजिक रिंग बनाऊंगी। ये 3 प्लाई की है वूल, यहाँ पे मैंने 3 प्लाई की वूल यूज की है। ये बहुत ही यहाँ पे मैजिक रिंग बनाऊंगी, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 2 बार वूल को लपेट कर उंगली के ऊपर। यहाँ पे 1 चेन, फिर इधर 1 2 3, 3 चेन, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 है, इसको टाइट कर देंगे। फिर इसको यहाँ नीचे वाले वूल को इस साइड से कर कर खींचूंगी, ये ऊपर से टाइट हो जाएगा। यहाँ पे 7 8 9 10 11 11 और 12, यहाँ पे 12 चेन मैंने बना ली है। अब 1 2 3 3 में इसे बंद कर दूंगी ऐसे। यहाँ पे मैजिक रिंग बन गया है 1 चेन। अब इसको कटिंग कर दूंगी। यहाँ पे 12 चेन बनाए हैं। 12 चेन बनाने के बाद येलो कलर यूज करूंगी। यहाँ पे ये येलो है 3 प्लाई का। यहाँ पे इधर इधर ऐसे करके 1 2 2 चेन बनाने के बाद इसी में 1 2, यहाँ पे मैं 3 चेन बनाऊंगी। 3 यहाँ पहले इधर फिर इधर। अब यहाँ पे 1 2 3 चेन, फिर इसमें 1 2 और 3, 3 इन तीनों चेनों को हो यहाँ पे 3 चेन बनाए हैं। 3 अब इन तीनों चेनों को एक साथ निकालना है, इसको एक साथ निकालना है। यहाँ पे 1 2 3 चेन, 3 चेन बनाने के बाद इधर 1 हाफ चेन, डबल हाफ चेन, 2 हाफ चेन और 3, यहाँ पे 3 चेन, 3 को एक साथ निकाल लेना है। फिर इसके बाद इसको इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है, 1 2 3 यहाँ तक। यहाँ पे ये मैंने कंप्लीट कर लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे 12 चेन बनाए हैं 12। अब यहाँ पे ग्रीन कलर यूज करूँगी 1 चेन। अब यहाँ पे इधर 2 इधर, फिर 1 2 2 चेन बनाने के बाद इसी में 2 चेन, फिर 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पे डबल चेन, 1 2 और 3, यहाँ पे 3 चेन, फिर 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद इसको छोड़ के इसके ऊपर यहाँ पे फिर 1 2 3, 3 चेन, फिर इस होल को इस सुराख को छोड़ के दूसरे सुराख में 1 2 3, 3 चेन यहाँ पे 1 2 3, 3 चेन इस तरह 1 2 और 3 चेन, इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है। 1 2 3 चेन एक सुराख को छोड़ के इस पॉप के ऊपर
इस बॉब के ऊपर इस तरह, फिर यहाँ पे 1 2 3 चेन, 1 होल को छोड़कर, 1 गैप को इसको छोड़कर इसमें 3 6 डबल चेन बनाने हैं, 1 2 और 3। इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे इसे कंप्लीट कर लिया, इधर 2 चेन बनाए थे, अब यहाँ पे 3 चेन बनाना है, 3 चेन, फिर इसके ऊपर यहाँ पे बंद कर दूंगी इधर 1 चेन, 1 चेन के बाद यहाँ पे वूल को कटिंग कर दूंगी इस तरह। यहाँ पे ये मैंने कंप्लीट कर लिया इस तरह। अब वाइट कलर यूज़ करूँगी, वाइट हुक है 2.0 mm, यहाँ पे वाइट कलर यूज़ करूँगी। अब इसके ऊपर यहाँ पे 1 चेन, इसको बैक साइड पे कर लूँगी 1 चेन, फिर इसके ऊपर यहाँ पे होल में नहीं डालना, इसके ऊपर जो चेन है उसमें डालना है, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 3 हो गए, 1 2 3 और 4, यहाँ पे हाफ चेन, फिर 1 2 3 चेन, 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पे हाफ चेन। अब इसके ऊपर यहाँ पे हाफ, 1 चेन 2 और 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पे 4 चेन बन गए, हाफ 4 चेन इधर भी। अब इधर डबल चेन बनाना है, इस येलो रिंग को और ग्रीन को एक साथ ऊपर करना है, ऐसे उठा लेना है, 1 डबल चेन 2 डबल चेन और 3 डबल चेन। अब यहाँ पे फिर इसको, इन दोनों रिंग को यहाँ पे 1, इनको थोड़ा सा बड़ा करके बड़ा चेन निकालना है, 2 और 3, यहाँ पे 3 चेन। अब इसके ऊपर एक हाफ चेन, 1 2 और 3 3 हाफ चेन, और इस होल में 1 चेन, 4, यहाँ पे 4 हाफ चेन हो गए, 1 2 3 चेन, इसी में 1 हाफ चेन, इसके ऊपर 1 2 3, इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पे 1 2 3, अब फिर इधर 1 2 और 3 3 बनाने के बाद इधर 1 2 3 और 4, इसी तरह इस राउंड को यहाँ तक कंप्लीट। यहाँ पे ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इस चेन के ऊपर इधर 1 चेन, 1 चेन के बाद यहाँ पे कटिंग कर दूंगी वूल को, इस तरह यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे ये मैंने काफ़ी कंप्लीट कर लिया। अब इस तरह का बनाना है फ्लावर, इस तरह 2 बार वूल को उंगली के ऊपर लपेट कर इस तरह, ये सही रहता है, 1 1 1 2 3 3 चेन, यहाँ पे 1 2 3 4 4 5 6 7, यहाँ पे 7 चेन बनाने हैं, 7। तो पहले इसको यहाँ पे टाइट कर लेना है, फिर इधर इसको इस साइड से खींचना है, फिर ये ईजी हो जाएगा इस तरह। ये 2 यहाँ पे वूल मैंने लपेटी थी, इस वजह से यहाँ पे 7 चेन बनाए हैं। 7 चेन बनाने के 1 चेन,
यहाँ पे ये देखो सात चेन मैंने पहले भी कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी सात चेन होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7, हाँ यहाँ पे मैंने 7 किए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे ये मैंने वूल यूज़ की है 3 प्लाई की, थिक वाली नहीं है, जो थिन वाली है वो मैंने यूज़ की है। आप अपनी मर्ज़ी के 3 प्लाई की यूज़ कर सकते हैं या 4 प्लाई की, यहाँ पे मैंने 3 प्लाई की थिन वाली यूज़ की है, 1 2 3। इसके ऊपर ये जो फास्ट चेन है, फास्ट चेन इसके ऊपर यहाँ पे फास्ट चेन में इस तरह 1 2 3, 3 चेन एक स्पेस के लिए, 4 चेन, 4 चेन बनाने के बाद इसके ऊपर इसके ऊपर 1 1 2 और 3, यहाँ पे 3 डबल चेन बनाने हैं, 3 डबल चेन, 1 ओह सॉरी सॉरी, यहाँ पे 3 हाफ चेन बनाने थे, जस्ट स्टार्ट में मैंने बनाए थे दूसरे फ्लावर के, यहाँ पे 1 2 और 3, यहाँ पे 3 4 चेन हैं, 3 को पहले निकालना है इधर फिर इधर, अब यहाँ पे 1 2 3 3 चेन, फिर इसके ऊपर इस चेन के ऊपर 1 2, ये मेरा वूल है थिन है इसका, इसी वजह से मैंने यहाँ पे ये 3 चेन बनाए, 3 चेन 1, यहाँ पे 1 2 3, 3 चेन, फिर इधर 1 हाफ चेन, 1 2 और 3, इन तीनों को एक साथ निकाल लेना है, 1 2 3, इस तरह यहाँ तक बनाना है। मैंने 1 2 3 4 5 6 6 पॉप कंप्लीट कर लिए। अब इधर 1 चेन बनाऊंगी, 1 चेन, 1 चेन के बाद ये जो लास्ट चेन है इसके ऊपर 1 डबल चेन, यहाँ पे 1 डबल चेन, यहाँ पे कटिंग कर दूँगी, यहाँ पे 1 चेन, इस साइड से भी मैंने 1 चेन बनाया था, 1 चेन, फिर 1 2 3 4 5 6 6 पॉप बनाए हैं। अब इसको कटिंग कर दूंगी वूल को, इसके बाद ग्रीन का, अब यहाँ पे ग्रीन ये जो फास्ट चेन है इसके ऊपर, फास्ट चेन इसके ऊपर इस तरह, इसको इधर भी इधर कर दूंगी, 1 2 3 और यहाँ पे 4, इधर 4 चेन बनाने हैं, 3 चेन के लिए, 1 स्पेस के लिए 4 चेन, अब यहाँ पे इधर 1 2 2 और 3, यहाँ पे 3 चेन, 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद इसके ऊपर यहाँ पे 1 2 3 चेन, 3 चेन बनाने के बाद इस गैप को छोड़कर इसमें 1 2 3, 3 चेन, 1 2 3 चेन, फिर इसी में 1 2 और 3 चेन, फिर 1 2 3 चेन इस गैप में, इसमें स्लिप स्टिच, अब यहाँ पे 1 2 3 चेन, अब इस होल को छोड़कर इसमें 1 1 2 3, 3 चेन, फिर यहाँ पे 1 चेन, 1 चेन बनाने के बाद इसके ऊपर इस डबल चेन के ऊपर 1 चेन बना, अब यहाँ पे 1 चेन,
कटिंग कर दूंगी। अब यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया इसको। अब इधर फास्ट चेन के ऊपर ये जो फास्ट चेन बनाया था यहाँ पे 3 और 4 इसके ऊपर यहाँ पे हाफ चेन, 1 चेन, फिर इधर 1 2 3 4 यहाँ पे 4 हाफ चेन बनाए हैं। अब इन दोनों के सेंटर में यहाँ पे 1 2 3 3 चेन। अब इधर इसमें भी 3 चेन बनाने हैं, 1 1 2 2 और 3, यहाँ पे भी 3 चेन बनाए हैं। अब इसके ऊपर यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 हाफ चेन और इसमें 4, यहाँ पे 4 चेन, फिर 1 2 3 चेन, फिर इसी में हाफ चेन, इधर 1 3 और 4, यहाँ पे 4 चेन बनाने के बाद इधर 1 2 और 3, यहाँ पे 3 चेन बनाए हैं, फिर इधर भी 1 2 और 3 3 चेन, फिर यहाँ पे हाफ 4 चेन बनाने हैं। इस तरह यहाँ तक कंप्लीट करना है। अच्छा बना कर दिखाती हूँ, 1 2 3 और 4, यहाँ पे 4 चेन 4 बन गए, 1 2 3 थ्री चेन बनाने के बाद इसी में हाफ चेन लाइन होने तंग की, यहाँ पे 1 2 2 और 3, इधर 3, फिर इसमें भी 3, 1 2 और 3। अब इसके बाद यहाँ पे भी 3 चेन बनाने हैं, 3 हाफ चेन, 1 2 और 3, 3 हाफ चेन, फिर इस गैप में यहाँ पे जो होल था उसने में भी 3 हाफ चेन बनाने हैं, 1 2 और 3, यहाँ तक बना। अच्छा फिर इसमें भी 3 हाफ चेन बनाने हैं, 1 2 और 3, फिर इधर भी 1 2 3, यहाँ पे भी इसमें इस चेन के ऊपर भी 3 चेन बनाने हैं, 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पे 1 2 3 चेन। अब इधर बंद कर दूंगी, यहाँ पे 1 चेन 1 चेन के बाद यहाँ पे कटिंग करूँगी। ये मेरा कंप्लीट हो गया है, ये भी थाल पुश बना रही हूँ, ये भी यहाँ पे टिकिया बना ली है, 1 2 3 और 4, 4 लाइन इधर लगानी है, 4 इधर, 1 2 3 और 4 वो लगानी है। इनके सेंटर में यहाँ पे ये लगाने, 1 2 इधर लगानी है, 1 और 2 यहाँ पे अटैच करने इस तरह। अब इधर यहाँ पे ये 4 हैं ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल ये लगानी है, 4 इधर ऐसे ये कवर कर लूँगी इसको। यहाँ पे वूल मैं कर रही हूँ यूज़ 3 प्लाई की और हुक है 2.0 mm। यहाँ पे आप इधर से स्टार्ट करना है इस ट्रायंगल से,
इधर और इधर, इस ट्रायंगल को यहाँ पे अटैच कर देना है इस तरह। अब यहाँ पे इस चेन को उठाना है इधर से, ये जो है टू है, इसके एक लूप को उठाना है यहाँ पे और इसको नीचे करना है बैक साइड पे नीचे की तरह। अब यहाँ पे इस चेन की एक लूप को उठाना है इधर से, एक इसकी इस चेन की, अब इधर से एक चेन का इधर से इसका, अब यहाँ पे इसके सेंटर में और इसके सेंटर में इसको, अब यहाँ पे इस चेन के ये जो बड़ा चेन है डबल चेन इसके और इस डबल चेन के, इधर से भी देखते जाना है, इस डबल चेन के एक लूप उठाना है। अब फिर इस चेन की एक लूप और इधर से इस चेन की एक, इस चेन की, इस चेन को उठाना है। अब यहाँ पे सेट पे जाना है, और इसके सेंटर में यहाँ पे इसके सेंटर में एक लूप उठानी है, एक इधर से एक लूप, इसके यहाँ से ये ध्यान करना, इधर से एक चेन की लूप लेनी है, एक चेन की इधर से एक लूप इधर से लेनी है, एक की इस साइड पे, एक लूप इसके लिए है और एक इधर इसके लिए ली है, इस चेन की एक इसके, इधर से एक लूप ही है,
एक इसकी और एक वन चेन के बाद यहाँ पे कटिंग कर दूंगी। अब इधर से स्टार्ट करनी है, ऐसे ऐसे करते हैं ना, इधर से इनको देना ऐसे, यहाँ से इधर बनाकर इस साइड पे इधर इधर ले जाना, इधर इसी तरह इसको कंप्लीट करना है। इधर से इनको यहाँ से इधर बनाकर इस साइड पे इधर इधर ले जाना, इधर इसी तरह इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद यहाँ पे इस राउंड में एक एक हाफ चेन बनाना है, यहाँ पे वन हाफ चेन। अब इसमें ये जो है फ्लावर कुपा, ये जो होल है सुराख, इसमें हाफ डबल चेन वन और टू, फिर इधर ये जो होल है इसमें वन हाफ डबल चेन टू हाफ डबल चेन। अब यहाँ पे हाफ चेन बनाते जाना है, हाफ चेन के ऊपर हाफ चेन के ऊपर हाफ चेन बनाते जाना। यहाँ पे हाफ चेन बनाते जाना है, इधर हाफ डबल चेन, यहाँ पे अभी यहाँ पे बंद कर दूंगी स्लिप स्टिच, वन चेन के बाद यहाँ पे कटिंग कर दूंगी। ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है इधर। अब यहाँ पे इस राउंड में टू राउंड में वन डबल चेन, अब यहाँ पे हर चेन के ऊपर एक एक डबल चेन बनाते जाना है, हर चेन के ऊपर एक डबल चेन बनाना है, इधर भी यहाँ पे भी डबल चेन, ये राउंड डबल चेन का कंप्लीट करना है। इसमें किसी चेन को इंक्रीज नहीं करना। यहाँ पे ये देखो डबल चेन बनाते, यहाँ पे ये मैंने कंप्लीट कर लिया है डबल चेन। अब यहाँ पे इसे बंद कर दूंगी, यहाँ पे डबल चेन कंप्लीट कर, हाफ चेन डबल चेन। अब इस राउंड में यहाँ पे वन चेन के बाद इधर हाफ चेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन
नाइन टेन इलेवन, यहाँ पे इलेवन, इलेवन चेन के बाद टू चेन बनाने हैं, यहाँ पे वन और टू, ग्यारह चेन के बाद टू हाफ चेन एक ही चेन में बनाने हैं, जैसे मैंने बनाया है। इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है, ग्यारह चेन बनाने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और इलेवन। पे ये मैं ये कलर यूज़ कर रही हूँ, इसमें ये वाइट मैंने रिमूव कर दिया है। इसी तरह इसको कंप्लीट करना है, आप अपने पसंद का कलर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मैरून कलर यूज़ करें, वन टू, यहाँ पे ट्वेल्व टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन। यहाँ पे इलेवन के बाद मैं वन और टू, टू यहाँ पे हाफ चेन बना रहे हैं, फिर इलेवन चेन बनाने हैं, इलेवन सिंगल चेन बनाने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन। यहाँ पे इलेवन चेन बनाए हैं, फिर यहाँ पे टू चेन बनाने हैं, यहाँ पे इलेवन के बाद इधर ट्वेल्व, बारहवें चेन में टू हाफ चेन बनाने। इस तरह ये मैंने मैरून ग्राउंड कंप्लीट कर दिया है, वन चेन के बाद यहाँ पे कटिंग कर दूँगी। यहाँ पे ये मैं मैरून ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ, टू चेन, फिर यहाँ पे टू चेन, वन टू, टू चेन बनाने के बाद वन टू थ्री फोर, फोर में एक डबल चेन, यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव चेन बनाने के बाद फिर इसी में एक डबल चेन, यहाँ पे अब वन टू, टू चेन बनाने के बाद वन टू थ्री फोर, फोर में वन डबल चेन, टू डबल चेन और थ्री डबल चेन, यहाँ पे थ्री डबल चेन, वन टू चेन बनाने वन टू थ्री फोर, वन डबल चेन, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव चेन बनाने के बाद इसमें इस तरह वन टू, टू चेन बना, वन टू थ्री फोर, फोर में एक डबल चेन, वन टू थ्री, यहाँ पे थ्री चेन, और इस तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पे ये मैंने कंप्लीट कर लिया ग्रीन राउंड, वन टू चेन बनाने के बाद इधर वन टू थ्री फोर, फोर में वन डबल चेन बनाना है, यहाँ पे वन टू थ्री फोर, फोर में अब इसके ऊपर यहाँ पे बंद कर दूँगी। यहाँ पे ग्रीन मैंने कंप्लीट कर लिया है ग्रीन राउंड, अब इधर वन चेन, वन चेन के बाद यहाँ पे टेन डबल चेन, वन टू थ्री
यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं 2.4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पे 10 चेन बनाए हैं मैंने, 10 डबल चेन, फिर 1 चेन, 1 के बाद इधर सेंटर में बंद कर दूंगी यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे 1 चेन बनाने के बाद फिर इधर 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम पे 10 चेन बनाए हैं, फिर 1 चेन 1 के बाद इसके ऊपर एक सिंगल चेन, फिर 5 चेन। इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना। यहाँ पे पहले मैंने ग्रीन किया था, अब ये मैरून कलर यूज किया है। अब इस राउंड में यहाँ पे इस चेन को छोड़कर इसके बैक साइड पे पीछे की तरफ यहाँ पे 1 2 3 और एक स्पेस के लिए 4 चेन इसके 1 चेन बनाना है। अब एक को छोड़कर दूसरे को में 1 चेन बनाना है। अब इधर ट्रिपल 2 डबल चेन बनाए हैं, 2 डबल चेन यहाँ पे ट्रिपल चेन 1 2 2 और 3 थ्री चेन बनाने के बाद इधर 1 चेन, फिर इधर 2 1 2 2 और 3 यहाँ पे 2 डबल चेन बनाए हैं मैंने। टू डबल चेन, एक ट्रिपल चेन, फिर यहाँ पे 1 और 2, ये 2 ट्रिपल चेन बनाए हैं। इधर 2 ट्रिपल चेन 1 ट्रिपल चेन बनाना है, 1 2 3 फिर 1 चेन यहाँ पे, 1 2 3 यहाँ पे 4 ट्रिपल चेन बनाए हैं, 1 2 3 4 स्पेस के लिए 1 चेन के बाद इसके बैक साइड पे 1 चेन इधर, फिर 1 चेन इधर, यहाँ पे टोटल 2 डबल चेन बनाए हैं मैंने, 1 2 1 2 3 4 फिर 2 डबल चेन। अब यहाँ पे 1 चेन बनाने के बाद इस एक चेन को छोड़ना है, इसके पीछे दूसरे चेन में यहाँ पे डबल चेन बनाना है, फिर 1 चेन, फिर डबल चेन, फिर 1 चेन, 2 डबल चेन यहाँ पे ट्रिपल चेन बनाना है, 1 2 3 फिर 1 चेन। 1 चेन बनाने के बाद फिर नेक्स्ट है 2 3 यहाँ पे 2 डबल चेन 2 ट्रिपल चेन 1 2 2 चेन 1 2 3 फिर 1 चेन 1 2 3 और 4
एक चेन को छोड़कर दूसरे चेन में एक डबल चेन, हाफ चेन, यहाँ पे भी हाफ चेन। इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है। वन चेन, इसी तरह यहाँ पे इस राउंड को कंप्लीट करना है येलो राउंड को। यहाँ पे ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है येलो राउंड। अब इधर यहाँ पे अब इधर से स्टार्ट करना है। इधर वन टू थ्री, थ्री चेन, फिर इसी के ऊपर इसके ऊपर यहाँ पे बंद कर देना है। अब इसमें पहले यहाँ पे वन टू थ्री, थ्री चेन, फिर इसके सेंटर में यहाँ पे अब इधर वन टू थ्री चेन, इसके सेंटर में यहाँ पे थ्री पॉप बन गए। अब इसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यहाँ पे सिक्स चेन लेने हैं। ये जो दरमियान में सेंटर में ये था टू डबल चेन, टू ट्रिपल चेन, इनके सेंटर में वन टू थ्री फोर, यहाँ पे सिक्स डबल चेन, अभी तक बंद कर देंगे। फिर इसी में वन टू थ्री चेन, थ्री चेन, इसमें अब नेक्स्ट यहाँ पे इसमें एक बनाया है पॉप, इसी में अब इधर वन टू थ्री चेन, फिर इधर वन, फिर नेक्स्ट में वन टू थ्री चेन, अब इधर पॉप नहीं बनाना, थ्री इधर बन गया, थ्री साइड पे यहाँ पे सेंटर में वन टू थ्री। अब वन चेन, वन चेन के बाद इसमें स्लिप स्टिच बंद कर दूँगी। वन टू थ्री, थ्री चेन बनाने के बाद इसमें वन, वन टू थ्री, टू वन टू थ्री चेन, अब यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स चेन यहाँ पे, इसी में बंद कर दूंगी। अब फिर इसी में वन टू थ्री, थ्री चेन बनाने के बाद इधर फिर नेक्स्ट में वन टू थ्री चेन स्लिप स्टिच, फिर इधर चेन, वन टू थ्री चेन, यहाँ पे नेक्स्ट में यदि थ्री सेट पे पॉप बन गए हैं, थ्री पॉप इस सेट पे। इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है। अभी यहाँ पे भी थ्री बन गए, इस साइड पे थ्री यहाँ पे बंद कर दूंगी, फिर वन चेन लूंगी, वन चेन बनाने के बाद इसमें अब फिर वन चेन, वन चेन के बाद यहाँ पे कटिंग कर दूंगी। यहाँ व्यूज़ ये देखो बहुत ही कलरफुल और खूबसूरत है। आप इससे बेडशीट,
सिराने का गला भी बना सकती हैं। यहाँ पे इधर से उठाकर यहाँ तक 80 तकरीबन 80 इंच है, 18 इंच है, बहुत ही बड़ा थाल पोश का है। इससे बेड की चादर भी बनाई जा सकती है। इस टिकिया को इसी तरह बनाकर सिराने का गलाफ भी बनाए, कुशन भी बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे ये मैंने थाल पोश बनाया तकरीबन 80 से, ये देखो 80 इंच से जायद है यहाँ पे। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि मेरा डिज़ाइन आपको कैसे लगा है। ये बहुत ही कलरफुल ब्यूटीफुल है। आप इससे बेड की शीट भी बना सकते हैं, सिराने के खिलाफ कुशन।